कि आपके अगेंस्ट एक FIR रजिस्टर किया गया था, हालांकि उसको सो आई जस्ट केम आउट ऑफ दी CID ऑफिस एंड और इन्होंने प्रॉमिस किया कि चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो गाइस आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो टुडे एंड आपको मैं बता दूं गाइस, तो अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के 7 एंड मैं ऑलरेडी उठ के रेडी हो चुका हूँ। एक्चुअली में मुझे जाना पड़ रहा है जम्मू, किसी इमरजेंसी काम से, किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन अभी पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद गाड़ी आ जाएगी ऊपर रोड में, तो रोड में से चल जाऊंगा गाड़ी में और उसके बाद मैं चल जाऊंगा जम्मू। तो आप भी जल्दी से जल्दी हो जाता हूँ पहले रेडी ब्रेकफास्ट करके। एंड आपको मैं बता दूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। ओके गाइस, तो अभी जा रहा हूँ मैं रोड में, ऊपर से गाड़ी आ चुकी है एंड गाड़ी में चढ़ के चले जाएंगे हम यहाँ से जम्मू। तो मैं आपको यहाँ से मॉर्निंग व्यू दिखा देता हूँ, वैसे कैसा नजर आता है, और अपना घर भी दिखा देता हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ मॉर्निंग व्यू है यहाँ रोड से, और यहाँ पे अभी सूर्य देव अस्त हो रहे हैं और मेरा घर है यहाँ से नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है। तो गाड़ी आ चुकी है एंड चलते हैं अब जम्मू। ओके गाइस, आई एम जस्ट रीच्ड हियर इन पुलडोडा एंड अभी मैं जा रहा हूँ आगे जहाँ से मुझे बस मिलेगी, और बस को पकड़ के उसके बाद चले जाएंगे जम्मू के लिए। तो मैं आपको बता रहा था जा रहा हूँ इमरजेंसी में, और एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि भाई आप वीडियोस रेगुलर क्यों नहीं डाल रहे हो। तो भाई उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हैं एंड जो मेन रीज़न है गाइस वो ये है कि मैंने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया था एंड उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन भाई एंड टाइम पे अभी मैंने CID वेरिफिकेशन भी करवा लिया और बाकी जो भी प्रोसेस था वो करवा लिया। तो लास्ट में मेरा जो है लिस्ट में नाम नहीं है, तो अभी मैं उसी के रिलेटेड जम्मू जा रहा हूँ क्योंकि परसों लिस्ट आउट हुई थी, तो कल संडे था तो कल मैं गया नहीं, लेकिन आज मैं जाऊँगा जम्मू सेक्रेटरीट में एंड वहाँ से पता करेंगे कि लास्ट लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करके ज्वाइनिंग लेटर लेके आएंगे हम वापस। तो अभी चलते हैं आगे, वहाँ से बस पकड़ते हैं और जाते हैं जम्मू के लिए, और उससे पहले यहाँ से पुलडोडा व्यू एक बार एंजॉय कर लो। तो गाइज ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पुलडोडा से एंड आपको मैं बता दूँ गाइज, तो जो सामने पार वहाँ पे एक एक्सीडेंट कल हुआ है और उसमें दो जो लेडीज थी उनकी डेथ हो गई है, तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। एंड जो गाड़ी थी गाइज वो भी सीधे चिनाब में चली गई है, तो एक डेथ तो ऑन स्पॉट हो गई थी लेकिन एक लेडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी। ओके गाइस, तो अभी आज दूसरा दिन है एंड अभी लगभग बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं अभी जा रहा हूँ फिर से वापस डोडा के लिए, क्योंकि भाई कल मैं आया था और सेक्रेट में गया तो वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ और उस वजह से मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि गाइस कुछ पंगा ऐसा हो गया है जिसकी वजह से मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, और अभी मैं फिर से वापस जा रहा हूँ डोडा के लिए। मुझे जाना है CID ऑफिस डोडा एंड देखते हैं क्या बोलते हैं वो, क्या रिस्पॉन्स रहता है उनका, और उसी हिसाब से फिर आगे जो फर्दर प्रोसीजर होगा उसको भी देखेंगे। तो अभी मैं कल शाम को आया था बंतलाब में मामा के घर में एंड कल शाम को मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, या तो
फिर मैंने व्लॉगिंग ही नहीं की। तो अभी चलते हैं वहाँ पर डोडा के लिए एंड उसके बाद मिलते हैं आपको। बस स्टैंड पर जाता हूँ पहले, तो बस पकड़ लेता हूँ। और कल गाइज मैं आपको बता दूँ तो यार मुझे बीच वाली सीट मिली थी, तो बीच में यार उधर से मैंने कोई व्लॉगिंग वगैरह भी नहीं किया आते हुए। फिर इधर आके सेक्रेट में गया तो उधर और मूड ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उस वजह से फिर मैंने कल व्लॉगिंग नहीं की। अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड के लिए, तो चलते हैं एंड मिलते हैं आपको बस स्टैंड। तो गाइज यहाँ से मिलेगी मुझे गाड़ी आगे से जाके, और अभी तो वैसे दुकानें सारी बंद हैं यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह भाई 7 बजे में, वैसे तो मैंने जल्दी निकलना था, लेकिन वो एक्चुअली में कल मेरा बैग भैया के पास रह गया था, जिस वजह से वो अभी सुबह आए तो बैग मैंने सुबह दे दिया, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज मैं 5 बजे ही निकलने वाला था यहाँ से। ओके गाइज, तो बस मिल चुकी है मुझे केसी में ही, और मैंने टिकट भी ले ली है एंड अभी इस बस में ट्रैवल करेंगे हम डोडा के लिए। तो चलते हैं एंड मिलते हैं आपको रास्ते में। ओके गाइज, तो मैं पहुंच चुका हूँ फुल डोडा में अभी एंड बहुत जल्दी पहुँच जाती है, अभी लगभग जो भी बोलेंगे आपको अपडेटेड रखेंगे साथ में। चलते हैं अभी गाड़ी पकड़ लेते हैं, मैं पीछे भद्रवाह वाली बस में आया तो भद्रवाह वाली बस से होकर मैं अभी आगे जाऊंगा जहाँ से डोडा की गाड़ी मिलेगी मेरे को, तो चलते हैं वहाँ पे। ओके गाइज, सो आई एम जस्ट रीच हियर इन डोडा एंड अभी मैं ढूंढ रहा हूँ भाई CID ऑफिस, और मुझे मिल नहीं रहा है। एक्चुअली मैंने 2-4 लोगों से पूछा भी, लेकिन बता रहे हैं इस साइड में है, बाकी एग्जैक्टली उनको भी पता नहीं है कहाँ पे है। तो जाते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, और मिलता है तो पूछते हैं क्या बोलते हैं। तो भाई मैं CID ऑफिस ढूंढ ढूंढ के थक गया, लेकिन मुझे CID ऑफिस नहीं मिलता, और मैं एक्चुअली में इस वाली साइड में पहली बार आया हूँ, तो मुझे इतना तो इस बारे में पता भी नहीं है। अब मुझे बताया था वो बंटी भाई ने, बोल रहे थे कि स्टेडियम से कहीं पीछे है। मैंने यहाँ से काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी, लेकिन वो तो नीचे बता रहे हैं वो पुराना वाला ऑफिस था, अभी इन्होंने शिफ्ट किया हुआ यहाँ पे। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड इफ पॉसिबल। ओके गाइज, सो आई जस्ट केम आउट ऑफ द CID ऑफिस एंड देयर इज बिट रिलैक्सिंग न्यूज एंड व्हाट वाज द एक्चुअल मैटर आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन एंड आई विल टेल यू इन डिटेल। सो अभी थोड़े से गोलगप्पे वगैरह इन्जॉय किए। अभी मैं जा रहा हूँ अंकित भाई के घर में, वो थोड़ी थोड़ी हो रही है बारिश, पर एक्चुअली मैं आपको गाइस बता दूँ तो मैंने घर जाना था, लेकिन अंकित ने मुझे जाने नहीं दिया, मैं विकास बोल रहा है कि मैं अकेले हूँ, तो भाई आप मेरे पास आ जाओ। सो मैंने भी सोच लिया कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं आज, क्योंकि भाई जम्मू से आया हूँ, 5-6 घंटे का रास्ता था बस में, सो आज का रेस्ट कर लेंगे एंड कल जाएंगे वापस घर को। तो चलते हैं, और थोड़ी सी भूख लगी थी, गोलगप्पे एंजॉय किए, लेकिन फिर भी भूख खत्म नहीं हुई, तो जाकर खाना खा लेते हैं। ओके गाइस, तो रास्ते से जा रहा था एंड बच्चों को छुट्टी हुई थी स्कूल में, एंड ये सभी चाहते थे कि ये भी व्लॉग में आए, और इन्होंने प्रॉमिस किया कि चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है ना, पक्का। तो आप अपना 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 नाम बता दो सारे। ओके, अच्छे से पढ़ाई करो एंड आपके साथ मिल करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी को मैं व्लॉग में डालूंगा, ठीक है, चलो फिर बच्चा पार्टी, बाय। तो भाई कुछ छोटे बच्चे मिल गए थे, और उन्होंने आगे से पूछा कि भाई चैनल का नाम क्या है, तो मैंने बता दिया एंड दे वांटेड टू बी इन व्लॉग, सो आई हैव आल्सो पुट द वीडियो इन व्लॉग, सो यू मे आल्सो एंजॉय द मोमेंट्स। एंड अभी बस मैं पहुंचने वाला हूँ अंकित भाई के घर में, और चलते हैं, बाकी भूख भी लगी है तो थोड़ा खाना वगैरह खा लेंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अंकित भाई के घर में, और यहाँ भाई आपको लग रहा होगा कि अंधेरा हो गया, लेकिन यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ है,
अच्छा हमको सिखा रहा है। अच्छा एक्चुअल में ये पीछे किसी और ने घर बना दिया है, तो इसकी वजह से आगे से अंधेरा हो गया, ब्लॉक हो गया है, लाइट वगैरह अब इसमें एंटर नहीं होती, उस वजह से अंधेरा लग रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं अंकित भाई के साथ। अंकित भाई वो नाना भाई दोपहर को, भाई दोपहर को सो रहा है, थोड़ा हेडेक हो रहा है। कैसे हो रहा है हेडेक? पता नहीं, कोई टेंशन है नहीं, एक्चुअली थोड़ा तस्वीर जुकाम कुछ पैडिस लाई थी ना। अच्छा थोड़ा सा जाम जैसा नहीं होता वो? अच्छा नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा भाई तो कैसी है आपकी जर्नी आज जम्मू से? यार क्या बताऊं, जर्नी तो ठीक ही थी मगर घुमाते फिराते हैं तो। अच्छा तो क्या उधर? ओके गाइस, सो लेट मी टेल यू इन डिटेल लाइक व्हाट वाज द एक्चुअल मैटर एंड मुझे जम्मू क्यों जाना पड़ा और एक ही दिन में मुझे जम्मू से वापस आके डोडा सीआईडी ऑफिस में क्यों जाना पड़ा। सो गाइस इसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि गाइस मैंने JKSSB मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक एग्ज़ाम दिया था, और उस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई भी किया, एंड क्वालिफाई करने के बाद मुझे सीआईडी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, और मैंने सारा सीआईडी वेरिफिकेशन एंड जो भी प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट करके जब फाइनल लिस्ट में, जिसमें मतलब एक किस्म का वो ज्वाइनिंग लेटर था, उसमें मेरा नाम नहीं आया। सो उस प्रोसेस में मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा जम्मू सेक्रेटरीट में, एंड जम्मू सेक्रेटरीट में जाके जब गाइज मैंने उनसे पूछा कि क्या मैटर है, किस वजह से मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, तो उन्होंने बताया कि हमें जो है आपका सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं आया है, उस वजह से हमने आपका लिस्ट में नाम नहीं डाला है। तो गाइज एक्चुअल में हुआ ये कि मैंने सीआईडी ऑफिस डोडा को कॉल किया वहां से, एंड उन्होंने बताया कि जो आपका सीआईडी वेरिफिकेशन है वो हमने कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि आपके अगेंस्ट एक FIR रजिस्टर किया गया था, हालांकि उसको कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी भी कर दिया है, इवन दो हमारे पास उसका जजमेंट भी है, लेकिन स्टिल वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो फर्दर और इन्वेस्टिगेशन करें इसके बारे में और पता करें, एंड उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या उनको अपनी जो सीआईडी वेरिफिकेशन है वो आगे भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। तो गाइज हुआ ऐसा कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम दे रहा था 2015 में, उस वक्त गाइज एक FIR फेक रजिस्टर की गई थी मेरी फैमिली के अगेंस्ट, एंड मेरे चाचा की फैमिली, दो चाचा की फैमिली के अगेंस्ट। तो गाइज ऐसा है कि जो मेरे सबसे बड़े चाचू हैं, मतलब सबसे बड़े को नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मेरे चाचू हैं, उनका एक दामाद जो है उनके घर में घरजमाई रहता है, और ऐसा हुआ कि वो एक अल्कोहलिक है, एंड वो घर में आके शोर वगैरह लड़ाई वगैरह कर रहा था, एंड आई डोंट नो कि व्हाट वाज द एक्चुअल मैटर, क्योंकि वो उस वक्त में घर में ही नहीं था। तो हुआ ऐसा कि वो अपने घर वालों के साथ मारपीट वगैरह कर रहा था, तो जो दूसरा चाचा थे वो उनके घर में जाके उसको मे बी छुड़ा वगैरह रहे थे या क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो गाइज उसके बाद उन्होंने मे बी मेरे पेरेंट्स को भी कॉल किया होगा कि लाइक ऐसे ऐसे झगड़ा कर रहा है या कुछ भी, इनको छुड़ाने वगैरह आ जाओ। तो मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स गए या नहीं गए, एंड उसके बाद क्या हुआ कि गाइज उसने जाके एक FIR लॉन्च कर दिया तीन फैमिलीज़ के अगेंस्ट, तीन फैमिलीज़ में अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को, और साथ में अपनी वाइफ को भी उसने इन्वॉल्व कर लिया, साथ में एक और चाचा हैं उनकी पूरी फैमिली को, पांच मेंबर्स को उसमें FIR में उसने डाल दिया, एंड साथ में मेरी फैमिली में से मेरे फादर, मेरे मदर एंड मेरे को भी उसने FIR में लगा दिया। इन दो में घर में नहीं था, मुझे इस मैटर के बारे में तीसरे दिन पता चला कि ऐसा सर कुछ हुआ है। तो गाइज आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैंने 11th 12th जो है वो अपने घर से दूर एक स्कूल से की है, और मैं वहीं पर रेंटेड रूम में रहा करता था, सो मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे जब तीसरे दिन मेरी सिस्टर घर से रेंटेड रूम पे आई, तो उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, उसके बाद हमें कोर्ट वगैरह में जाना पड़ा, एंड कोर्ट से हमें बाइज्जत बरी भी किया गया, उसके बाद हमारे पास जजमेंट भी है, कोर्ट ने हमें फ्री किया हुआ है, लेकिन स्टिल सीआईडी कहते हैं कि हमें इसका अभी और इन्वेस्टिगेशन करना है, इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी है, एंड उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो गाइज इस सब के मैटर की वजह से जो है वो मुझे प्रॉब्लम आया, और मुझे दुख इस बात का है ज़्यादा कि अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे क्यों ये सब फेस करना पड़े, क्योंकि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो ऑब्वियसली आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसके लिए, लेकिन अगर आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है एंड
आपको बेवजह किसी फैमिली राइवलरी की वजह से किसी FIR में रजिस्टर किया जाता है, और वो अगर आपके लाइफ के साथ एक मैटर बन जाता है, क्योंकि आपको कहीं पे भी जॉब करनी होगी ऑब्वियसली हर जगह पे CID वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, तो अगर किसी बेवजह से किसी झूठे इल्ज़ाम की वजह से अगर आपको फेस करना पड़े, अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, तो ऑब्वियसली आपको भी बुरा लगेगा। सो गाइज ये सब मैटर था, एंड अभी उसी प्रोसेस में थोड़ा सा बिजी भी रहता हूँ, एंड उसी वजह से जो है रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपसे कोशिश करूँगा गाइज कि आपको डेली वीक में कम से कम एक या दो वीडियोस देखने को मिलेंगी। और वैसे सही ओके गाइज, सो राइट नाउ मैं और अंकित भाई जा रहे हैं पानी लेने, और भाई डोडा में पानी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम नहीं है भाई, पीने वाले पानी की प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसमें जो चूना है इस वाले पानी में भाई, जो पानी है ना यहाँ का डोडा का, हाँ, अच्छा नहीं है, चूना है बहुत ज्यादा, इससे दांत खराब हो जाते हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी कहाँ, खिलानी नाला। खिलानी नाला यहाँ से कितना 3-4 किलोमीटर होगा, हाँ, जहाँ पे टनल की कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, मैंने अपने ब्लॉग में आपको दिखाया था भाई, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे अभी पानी लेने में अंकित भाई के साथ, तो चलते हैं पानी भरते हैं, और यहाँ से भाई मस्त व्यू है चिनाब को, और आज मैं आपको गणपत ब्रिज के ऊपर भी लेके जाने वाला हूँ, जिसपे भाई कभी नहीं है भाई, मेरे ब्लॉग में भाई ने कमेंट किया था भाई मैं कभी गणपत ब्रिज पे नहीं गया, तो आज मैं फर्स्ट टाइम गणपत ब्रिज पे जाने वाला हूँ, कभी खड़े होके वहाँ पे देखा नहीं है, आज ब्लॉग में आपको बाइक ब्लॉग में आपको दिखेगा गणपत ब्रिज। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of. उधर बलि जहाँ पे डैम है वहाँ गए आप? नहीं मैं कभी नहीं गया यार डैम पे, मैं गया वहाँ पे एक बार, तब मैं आई थिंक 7th में था। अच्छा नहीं 6th या 6th में था। अच्छा ना बराबर याद नहीं, बट ऐसे मुझे रास्ता पूरा याद है, टनल के अंदर से गए थे हम। अच्छा वहाँ पे एक्चुअली ऐसे अलो नहीं था, लेकिन पापा के एक फ्रेंड थे। अच्छा वो उस डैम में ऐसे वर्कर काम करते थे। अच्छा तो उनकी अप्रोच की वजह से हम वहाँ पे देखने गए थे, तो वहाँ के लिए पर्सनली आपको गाड़ी बनानी पड़ती थी। अच्छा हाँ, तो टनल के अंदर से ही रास्ता समझो, एक जो रेसमे रास्ता होता ना गुप्त रास्ता। अच्छा बिल्कुल वैसा ही सीन था। अच्छा 2-1 किलोमीटर का डिस्टेंस था आई थिंक अंदर से वो टनल, कम्प्लीटली टनल टू टनल, तो वहाँ पे भाई क्या इतना मस्त व्यू था ना। हाँ अभी उस वहाँ पे और भी बहुत सारा काम चल रहा था, लेकिन वहाँ पे डैम तैयार था। अच्छा भाई साहब, और उनका जो पावर हाउस था ना, हमने बाहर बाहर से ही देखा था भाई साहब, जबरदस्त, क्या ही बताएं आपको। तो भाई अभी बात हो रही थी बगलीहार डैम की, जिसकी वजह से बुलडोडा बह गया भाई। हाँ भाई मार्केट, हाँ बिल्कुल भाई, एक टाइम पे वो इतनी जबरदस्त मार्केट हुआ करती थी ना, हम आपको बता नहीं सकते भाई, एक टाइम पे बुलडोडा काफी ज्यादा बड़ी मार्केट हुआ करती थी, लेकिन बगलीहार डैम बनने की वजह से, क्योंकि बुलडोडा जो है चिनाब रिवर के बैंक पे था, और उस वजह से पानी का लेवल राइज होने की वजह से जो बुलडोडा सिटी थी वो बिल्कुल ही अभी है ही नहीं, उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो बात वही हो रही थी, और अभी हम बस पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट चश्मे के पास में, हम लेने वाले हैं स्प्रिंग वाटर। बिल्कुल भाई ने सही बोला, प्यूरिफाइड वाटर, क्या बात है। ओके गाइज, तो हम पहुंच गए थे पानी के पास, और यहाँ पे भाई ये चश्मे बहुत ज्यादा पानी इसको चल रहा है, आपको भी मैं दिखा देता हूँ, और पानी ये बहुत प्रेशर से वो काफी ज्यादा पानी है, तो काफी ज्यादा लोग यहाँ पे डोडा से भी आते हैं। हाँ काफी ज्यादा, जब मैक्सिमम आते हैं मैक्सिमम लोग, क्योंकि भाई डोडा में पानी पीने वाला ऐसे तो काफी है, ठीक है, लेकिन पीने वाला पानी उतना अच्छा नहीं है, तो उस वजह से लोग काफी सारे यहाँ से पानी लेके जाते हैं। तो एक बार मैं भी पानी पी लेता हूँ, क्योंकि मेरे को भी प्यास लगी है, और आपको भी दिखा देता हूँ कितना सारा पानी है। अजय भाई आपने नेचुरल वाटर पीना है? नेचुरल नहीं, स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर पीना है भाई, मेरे ब्लॉग में आपको ये पानी नेचुरल मिलेगा। स्प्रिंग वाटर पी थी। तो कैसा है पानी बताइए? शुद्ध एंड प्यूरिफाइड। देवा क्या बात करता है। सो पानी भाई मस्त है, जिसको भी पीना आ जाओ, लेकिन हमारे वहाँ इससे बेटर पानी है आई थिंक। हाँ ना, ये गारंटेड है अपने वाले चश्मे, हमारे वहाँ पे भी एक चश्मा है। आज मैंने जहाँ पे अपने व्लॉग में एक सफाई की हुई आई थिंक सो, है ना, वो कौन से डे पे की थी? वो वर्ल्ड वाटर डे। हाँ वर्ल्ड वाटर डे पे, तो आप व्लॉग जरूर से देखना वो वाला, और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भाई मेरे व्लॉग भी।
ओके गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं वापस अंकित भाई के घर में एंड अभी हम रोड से जा रहे हैं अंकित भाई के घर की तरफ। और आज के व्लॉग को ख़त्म कर देते हैं यहीं पे। एंड अगर आपको भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। एंड भाई मोटिवेशन मिलता है अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नए नए वीडियोस बनाने का मन करता है और अच्छे से ज़्यादा काम करने का मन करता है। तो इसलिए हो सके तो चैनल को जितना मर्जी उतना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दो और सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।